दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैथ की सीरीज का यह 14वां वीडियो है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं घातांक एवं करणी। दोस्तों इससे पहले घातांक एवं करणी से संबंधित दो वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है। दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लें फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों आज हम घातांक एवं करणी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के टाइप को कराने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने पहली वीडियो में घातांक एवं करणी के सभी पॉइंट्स को क्लियर किया है और दूसरी वीडियो में हमने कुछ संबंधित टाइप को क्लियर किया है। आज बचे हुए टाइप्स को क्लियर करेंगे और आज हम घातांक एवं करणी के टॉपिक को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ मैथ की सीरीज को जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल पर विजिट करें और देखें। कोई भी स्टूडेंट हो जिन्होंने कभी मैथ पढ़ा ही ना हो तो दोस्तों बी सक्सेस प्लस के साथ जुड़िए और आप पढ़िए, गारंटी से आप मैथ सीख जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना। ठीक है, PDF अगर डाउनलोड करनी हो टॉपिक से संबंधित तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ बचे हुए टाइप्स को। तो दोस्तों घातांक एवं करणी में आज हम ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने दो टाइप के क्वेश्चन को कवर कराया था, करणी से संबंधित और घातांक से संबंधित। पहली वीडियो में मैंने जो बेसिक पॉइंट से कि घातांक क्या होता है करणी क्या होती है वो सब मैंने बताए हैं, उनके जो नियम होते हैं वो सब मैंने क्लियर कराए हैं। और दोस्तों इससे पहले हमने नंबर सिस्टम को 4 वीडियो में कंप्लीट किया है और LCM SCF को फ्रैक्शन को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें। ठीक है दोस्तों, प्लेलिस्ट को देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी की प्लेलिस्ट को दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीसरा टाइप देखते हैं हम, करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो जो हमारी करणी होती है तो करणी तो आपको पता होगा ये होता है हमारा करणी चिन्ह। ठीक है, तो करणियों के योग अंतर पर आधारित प्रश्नों को आज देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 5√2 प्लस 3√2 इसको हमें ऐड करना है। तो जब करणियों में अगर हमें ऐड करना हो तो होता क्या है दोस्तों कि हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जैसे ये लिखा हुआ है 5√2 तो यहाँ पर ये क्या है, हमारी करणीगत संख्या होती है, यह हमारी करणी की घात होती है। ठीक है, क्या होती है, करणी की घात होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमें ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो तो कुछ भी करना हो हमें ये देखना पड़ता है करणी की संख्या हमारी कैसी है, ये हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा 5x और प्लस 4x तो हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक्स एक्स को देखते हैं कि ये हमारा सेम होना चाहिए, और यही हमारा वाई होता तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसी टाइप से यह हमारा जो बेस होता है ये हमारा सेम होना चाहिए, है ना, करणी की जो संख्या होती है। तो करणी की संख्या हमारी यहाँ पर भी 2 है यहाँ भी 2 है तो हम इसको ऐड कर देंगे, 5 और 3 8 हो गया, तो 8√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कि अंडररूट में है दिया है 50 प्लस अंडररूट में फिर दिया 98 फिर अंडररूट में दिया है प्लस 72 तो अब इसको हमें ऐड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारी जो करणी का संख्याएं हैं वो हमारी सेम नहीं है तो हम इनको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ तो ये घात हैं जो हैं 2 2 2, यहाँ पर तो 2 2 हैं, अंडररूट है। ठीक है, तो चाहे बेशक हमारी करणी की घातें अलग अलग हो जाएं लेकिन हमें ये जो करणी का संख्या होती है यह हमें सेम करनी होती है। तो चलिए अंदर इनके क्या फैक्टर करते हैं हम, तो जब फैक्टर किए तो मैं जो है ये 50 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 25 × 2 लिख सकता हूँ ना, है ना। हम ऐसी संख्या का यहाँ पर फैक्टर करते हैं कि जो खुद ब खुद एक हमारी पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ऐसे यहाँ किया 49 × 2 = 98 क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 25 है हमारा तो 25 का 5 हो जाएगा, है ना, बाहर ले लेंगे, यहाँ से 49 है 49 7 का होता है, यहाँ पर फिर 72 को किया 36 × 72 कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ से 25 से मैंने 5 बार ले लिया, ठीक है, क्योंकि 5 5 के 2 पेयर बन जाएंगे अंदर, तो यहाँ से एक हमारा 5 बार आ जाएगा, बचा कितना 2 हमारा था यहाँ तो 2 हमारा रह जाएगा। ठीक है, ऐसे 49 में से हमने 7 ले लिया और ऐसे 36 में से हमने 6 बार ले लिया।
तो अंदर जो क्या बचा, यहाँ भी दो बचा, यहाँ भी दो बचा, यहाँ भी दो बचा, तो हो गया हमारा जो कर्णिका संख्या थी वो सेम हो गई, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। जो हमारी जो घाते हैं उनको ऐड कर दो, तो 5 और 7 12 और 6 18 है, तो 18√2। आई होप आपकी समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताना। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है, अब माइनस में है, तो माइनस में हो या प्लस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हमारी कर्णिका संख्या सेम है तो घटा दीजिए 7 में से 5 के तो 2, ये हमारा आंसर हो गया √19, ठीक है। तो ये तो आसान है, बहुत आसान है। तो आगे देखिए, अब ये है सेम ऐसा ही, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से हमने क्या किया, हमें कर्णिका संख्या को सेम करने के लिए फिर से हमने इसके फैक्टर किए, तो फैक्टर किए तो इसको 25 और 3 लिख सकते हैं, 25 75 होते हैं, ठीक है। इसको 36 × 3 कर दिया, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे 3 आ रहा है, जो छोटा छोटी जो संख्या आएगी वही हमें कर्णिका संख्या में लेनी है, ये हमारा फिक्स हो जाता है ऐसे जब अंदर फैक्टर करते हैं तब। बस इसी बात का आप ध्यान रखना, जब जैसे आपने पहला तो कर लिया कि 25 थी 75, ये तो चलो आसान है, अब आगे देखो कि 1 से 8, अब इसको कैसे करें, तो सीधा 3 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 3 × 9 = 18, तो 36 × 3 हो गया, ठीक है। फिर 147 है, क्योंकि हमें 3 तो लाना ही लाना है, क्योंकि यही हमारी कर्णिका संख्या होने वाली है, 3 से इसको भी डिवाइड कर दो, 3 × 12 = 27, 49 × 3 हो गया। यही आसान तरीके होते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है हर चीज़ की आपको ट्रिक कराई जाए, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि हमें इसको आसान कैसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, तो 25 से हमने 5 बार लिया, 36 से हमने 6 लिया, 49 से हमने 7 बार लिया, यह हमारा माइनस है, ठीक है। तो इनको हमने ऐड किया, 5 और 6 11 11 में से 7 गए तो 4, √3 तो है ही, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अच्छे अच्छे टाइप अभी आगे आने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। चलिए देखते हैं, चौथा टाइप है हमारा कि कर्णियों के गुणा भाग पर आधारित। अभी प्लस माइनस पे था, अब गुणा भाग पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, √5 है या √7 √3 है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने बताया था आपको कर्णी वाले जो नियम बताए थे पहली वीडियो में कि ए और बी हो अंडररूट में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √A और √B लिख सकते हैं ना, बताया था अगर आपने अच्छे से देखी है वीडियो तो लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, जब हमारी संख्या ऐसे दी हो तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल, वही यहाँ पर किया है, अलग अलग दिया है, तो हमने एक ही अंडर रूट में तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंडर रूट में जब किया तो 7 और 5 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 105, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड का भी नियम मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इस तरीके से संख्या दी है कि ए अपॉन बी है पूरे अंडर रूट में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √A और √B। तो संख्या अगर ऐसे दी हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो देखिए आगे, तो अब यहाँ पर क्या है, 3 और √ में कितना है 28, यहाँ भाग हो रहा है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पर क्या मतलब घनमूल है, तो यहाँ पर भी कितना है, यहाँ 7 है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ डिवाइड है, तो पहले तो हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। जब ऐसे लिख लिया, जरूरी नहीं है वो तो हम सेव कि इसको भी और इसके आधार को सेम करें, मतलब कर्णिका संख्या को यहाँ पर सेव करें, सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो प्लस माइनस में करना पड़ता है, ठीक है, या नहीं। तो देखिए, हम जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने भी आपको बताया था, तो हमने 7 से इसको काट दिया 4 बार, यही हमारा राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टाइप है संयुग्मी पर आधारित। संयुग्मी मतलब क्या होता है, अपोजिट है ना, संयुग्मी यानी समान युग्मों वाला, युग्म हमारे समान हो। संयुग्मी में होता क्या है दोस्तों, कि जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि दिया है 3/2 + √3, तो ये दिया है, तो इसका हमें निकालना है मान, जो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है किस किस तरीके से पूछा जाता है। पर देखिए, संयुग्मी में हम करते क्या है, हमारा एक ही पॉइंट है, पॉइंट ये है कि कॉन्जुएट का आपने गुणा सुना होगा कि कॉन्जुएट का गुणा कर दें, है ना, सुना है कभी, नहीं सुना तो अब देखिए कॉन्जुएट का हम गुणा करते कैसे हैं, हम देखते हैं हर को, हर हमारा क्या है, यहाँ पर दिया है 2 + √3, तो जो हमारी संख्या हर में दी जाती है उसका साइन चेंज करके हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो 2 यहाँ पर प्लस है, -√3
और नीचे भी कर देंगे 2 - √3, इसे कहते हैं हम कॉन्जुएट का घोड़ा, संयुग्मी इसको ही बोला जाता है। युग्म हमारे समान है लेकिन चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं, ऊपर और नीचे घोड़ा कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, तो हमने किया यहाँ पर ऊपर और नीचे किया 2 - √3 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर जब हम करेंगे तो गुणा करना, तो 3 का 2 में किया 3 2 6, फिर 3 √3, ठीक है, माइनस में। अब नीचे किया तो यहाँ हमारा फॉर्मूला काम किया, कौन सा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई में, तो वही हमारा यहाँ पर है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई में हो तो क्या हो जाता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वही हमने यहाँ पर कर दिया। यहाँ हमारा ए है मतलब 2 और बी है √3, तो ए स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमने ऊपर क्या है, ऊपर की संख्या को ऐसे लिखे रहने दिया, फिर 2 को किया यहाँ पर 4 हो गया, √3 का स्क्वेयर करेंगे तो 3 हो गया, फिर यहाँ हमने हमारी संख्या ऐसी ही रही अंश वाली, यहाँ 4 में से 3 गए तो 1 बचा, तो बचा क्या, 1 का जब भाग देंगे तो यही संख्या आ जाएगी, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में तो आपके आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समझ में आने वाली क्या बात है, कैलकुलेशन ही करना है केवल, क्या पॉइंट है कि कॉन्जुएट का हमें गुणा कैसे करना है, कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था हर के संख्या को देखते हैं, हर में जो संख्या होती है उसके अपोजिट माइनस, माइनस में तो प्लस से कर देते हैं, प्लस में तो माइनस लगा के कर देते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि √3 - 1 √3 + 1, तो अब इसको करना है, तो अब इसमें भी हम कॉन्जुएट का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ हमारी ये संख्या दी है प्लस में दी है, माइनस का करेंगे, देखो यहाँ पर किया हमने, देखो √3 - 1 √3 - 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने किया, अब यहाँ पर हमारी सेम संख्याएं हैं, यहाँ भी कितना है 3 - 1 है, यहाँ भी √3 - 1 है, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, जब a माइनस बी हो और a माइनस बी हो तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, अरे सेम संख्या है, a का गुणा जब a में करते हो तो क्या होता है, ए स्क्वेयर नहीं होता, होता है ना, तो उसी तरीके से इसको a मान लो, इसको a मान लो, तो क्या होगा, ए स्क्वेयर नहीं हो जाएगा, तो वही हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा स्क्वेयर इन दोनों का ऊपर, और नीचे हमारा फिर से वही फॉर्मूला लग गया, कौन सा वाला, ये वाला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने ऊपर वाले फॉर्मूले को जब यहाँ पे खोला तो आया हमारा √3 का स्क्वेयर करेंगे तो 3 आ गया, और फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का, ए माइनस बी के होल स्क्वेयर का, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, केवल माइनस कहाँ लगता है 2ab के आगे, ठीक है, और प्लस वाले में प्लस लग जाता है, बस इतना होता है। तो जब हमने किया तो ए स्क्वेयर और फिर 1 का स्क्वेयर किया प्लस में 1 का स्क्वेयर माइनस 2a और b कितना है 1 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन शॉर्ट में कर दिया है। चलिए आगे √3 का स्क्वेयर करेंगे तो 3 हो गया, 1 का स्क्वेयर 1 हो गया, कोई दिक्कत, चलिए नहीं है। आगे यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया 4, ये 2 √3। फिर हमने ऊपर से क्या किया, और यहाँ पर 3 में से 2 1 गया तो 2 आ गया, फिर 4 में से हमने 2 को घटाया, मतलब 2 को कॉमन लिया यहाँ से, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा √3, ठीक है, और नीचे हमारा 2 था ही, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया 2 √3, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं, ठीक है, ये स्पेशली इन पर ही आधारित होते हैं, और इस तरीके के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें होता क्या है, इनमें थोड़ा टिपिकल होता है क्वेश्चन, क्यों होता है टिपिकल, देखिए कि हमें ये संख्या दे दी, अब इसका मान निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें दोस्तों हम करते क्या हैं, देखने से पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे अंदर जो है होल स्क्वायर बनेगा हमारा किसी संख्याओं का, तो यहाँ पर जो हम करते हैं, यहाँ पर जो संख्या बाद में दी जाती है अंडर रूट में और ये 2 के साथ में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर हम हमेशा क्या बनाते हैं 2ab, यह जो मैं बता रहा हूँ इस बात को आप याद रखना, कोई कैसे पढ़ाता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो हम करते हैं, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं 2ab, तो 2ab बनाएंगे तो दिया क्या है 2 √3, यही तो है ना 6, तो 2 तो हमारे पास है, अब चाहिए क्या हमें a और b,
तो ए और बी चाहिए, तो ए और बी यहीं से तो बनेगा, यहीं से बनेगा ना। तो अंडर रूट जो हमारा यहाँ पर जो 6 है हमारा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 3 × 2 = 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर हमने इनको लिखा कि 3 × 2 तो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर अंडर रूट में ए और बी हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो वही हमने यहाँ पर किया, देखिए। तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो अब बन गया ये 2ab, ये बन गया 2ab, 2ab कब आता है, और आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। यहीं से पता चलता है हमारा कि फॉर्मूला कौन सा बनने वाला है, प्लस वाला बनेगा या माइनस वाला, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस वाले में तो 2ab से आगे माइनस होता है, प्लस वाले में प्लस होता है, चेंजिंग कहाँ पर दिखाई देती है हमें, 2ab से आगे, है ना। तो यहाँ प्लस है तो प्लस का बनेगा, तो प्लस का बनेगा कैसे, यहाँ हमारा 5 है तो यहाँ भी तो हमें क्या चाहिए, a² + b², तो हो तो गया। जब हमारा 2ab बन जाए ना, 2ab क्या आया है, 2 √3 √2, जब हमें 2 तो हमारा फिक्स रहता है फॉर्मूले में, ab जैसे ही आ जाए और आगे प्लस लगा हुआ है, आंख बंद करके यहाँ से a उठाइए, यहाँ से b उठाइए, ठीक है, तो a और b उठाइए और प्लस लगाइए, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, देखो √3 √2 का होल स्क्वायर, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आपका आंसर आने वाला है। यहाँ से बस ए 2ab बनते ही यहाँ से ए उठाओ, यहाँ से बी उठाओ, आगे देखो प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा के बीच में सीधा होल स्क्वायर, खोलने की भी जरूरत नहीं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हो गया, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट हट गया, आंसर आ गया 3 और प्लस अंडर रूट में 2, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे हमारा एक ये क्वेश्चन है दूसरा, अंडर रूट में दिया है यहाँ पर 8 − √60 दिया है, तो यहाँ पर ये अंडर रूट में जो 60 दिया है, तो अब यहाँ पर हमें 2ab बनाना है, तो बनाइए ना 2ab, क्या दिक्कत क्या है, 60 दिया, बहुत बड़ी संख्या, आराम से बन जाएगा, देखिए 60 है, तो 60 को करने के लिए हमें एक बात याद रखनी है दोस्तों, अंडर रूट में से हमें 2 तो हर हाल में बाहर निकालना ही निकालना है, क्योंकि 2 हमारा फॉर्मूले में आता है, इसको हम अंडर रूट में नहीं रख सकते, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमें अंदर 4 चाहिए, पहले 4 तभी तो 2 बाहर आएगा, अरे 4 होगा अंडर रूट में तभी तो 2 आएगा बाहर, तो 4 चाहिए, तो 4 के लिए क्या करेंगे, तो संख्या क्या है हमारी, अंडर रूट 60 है, तो हम 4 चाहिए तो हम इसको 15 × 60 लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, तो इसमें से 2 बाहर लीजिए पहले, तो 2 अंडर रूट यहाँ से हो गया, ये 15 है। अब बनाइए, 2 तो हो गया, अब ab बनानी है, ab तो बनाइए अंडर रूट इसमें से 15 में से, अब बनाएंगे ab, तो ab बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को छोड़ो, अब यहाँ से इसको लिख देंगे हम 5 3 ही क्यों लिखा बताइए, 5 3 क्यों नहीं लिखा, पाँच तीन ही क्यों लिखा, हम यहाँ पर ऐसे गुणनखंड करते हैं इनके कि इनका योग जो हमारी संख्या दी जाती है, इनका योग जो है जो हमारी संख्या दी जाती है इनका प्लस हो यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, ठीक है। यहाँ हम ऐसे गुणनखंड करते हैं कि यहाँ जो दी गई संख्या इनका योग यहाँ पर 8 हो, मतलब 8 नहीं, उनका योग यहाँ पर दिया हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया था 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यह 5 हो गया ना। तो बस मैंने अभी आपको क्या बताया था, हो गया यहीं से क्लियर। अब हमारा 2 और अंडर रूट में क्या दिया है 5, और इसको अलग अलग कर लेंगे अंडर रूट 3, तो बस ए और बी दोनों मिल गए हमें। अब यहाँ हमारा माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा है तो लग जाने दो ना, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 पूरे का होल स्क्वायर, माइनस में होल स्क्वायर कर दो, माइनस से क्या है 2ab से आगे माइनस होगा तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, प्लस होगा तो प्लस का बनेगा, तो वही देखो यहाँ पर हो गया 2ab, यहाँ जैसे ही बना सीधा हमने यहीं से a उठाया, यहाँ से b उठाया, माइनस लगा के और हमने फॉर्मूला बना दिया, स्क्वायर से हमारा क्या है कर्णी कट गया, तो यहाँ से आंसर आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, सही है दोस्तों, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में, और दोस्तों मैं एक भी टाइप के क्वेश्चन को छोड़ने वाला नहीं हूं, जब बेसिक से स्टार्ट किया है, जीरो लेवल से मैथ की सीरीज चल रही है तो जीरो लेवल से ही चल रही है, एक भी टाइप आपका बचने वाला नहीं है, आगे भी आप कंटिन्यू रखना, और प्लीज दोस्तों बी सक्सेस प्लस के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। और दोस्तों बी सक्सेस प्लस पर मैथ के ट्रिक्स की एक सीरीज चल रही है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, मैंने स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट निकालने की ट्रिक बताई है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताई है, और भी बहुत अच्छी फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी, ये सब मैंने ट्रिक्स बताई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं मैथ ट्रिक्स वाली से, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों को भी जोड़िए प्लीज। चलिए आगे देखते हैं,
नेक्स्ट ऐप है हमारा कर्णियों की तुलना पर आधारित। ये क्वेश्चन कर्णियों की तुलना पर आधारित, ये इससे पिछले वाले से भी ज़्यादा आते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, ये पिछले वाले से भी ज़्यादा आते हैं। जैसे भिन्न में पूछा जाता है ना कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, ऐसे ही यहाँ कर्णियों में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कैसे बताएंगे? अरे बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, देखिए आगे, अभी आप बस होने वाला है क्लियर, सीखने वाले हो। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, क्या समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको समझा के ही मानूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर दिया है अंडर रूट ये 3 और अंडर दो दिया है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर ये हमारा घनमूल में है 4 दिया है, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो यहाँ जो कर्णी की घात है 3 है, यहाँ हमारी कर्णी की घात 2 है, यहाँ हमारी 3 है, तो ठीक है, इनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो ये छोटी बड़ी संख्या हम बताते कैसे हैं, तो करते क्या है दोस्तों, जो कर्णियाँ हैं, कर्णियों की जो घात हैं, उनका लेते हैं हम लासा। ये पॉइंट है, बस एक ही पॉइंट तो बताया जाता है आपको, तो उतना तो आपको याद रखना होगा ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ इसमें क्या करते हैं, कर्णियों का लासा लेते हैं, है ना। तो कर्णियों का लासा लिया, तो यहाँ से हमने 3 उठा लिया, फिर आगे दूसरे वाली से यहाँ से कर्णी से हमने 2 उठा लिया, और यहाँ से हमने 3 उठा लिया, तो इन तीनों का जब लासा लिया तो 6 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने जो हमारे यहाँ पर जो दी गई कर्णियाँ हैं उनको हमने यहाँ लिखा, तो 3 अंडर रूट 2, फिर यहाँ लिखा अंडर रूट 3, यहाँ लिखा 3 अंडर रूट 4, एज इट इज ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। अब हमें जो लासा निकला था 6, अब हमें ये 6 करना है कहाँ पर, कर्णी की घातों में, कर्णी की घातों में करना है हमें 6। तो कैसे करेंगे, पहली वाली हमारी यहाँ पर दी है 3, तो 3 को 6 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से करेंगे हम गुणा, जितने से हम गुणा करते हैं अंदर वाली जो कर्णी की संख्या होती है उस पर उतनी ही पावर लग जाती है, अंदर गुणा नहीं होता है पावर लगती है, याद रखना, गलती बस केवल यही होती है, ठीक है। अंदर जो होता है, जैसे यहाँ पर हमने 6 करने के लिए 2 का क्या किया, गुणा किया, अंदर गुणा नहीं करेंगे, अंदर पावर लगती है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या किया हमने, 3 का जब 2 में गुणा किया तो 6 हो गया हमारे यहाँ से, और 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। तो सबसे पहली हमारी जो बन के आई संख्या ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही हमने आगे किया, और दूसरी संख्या थी हमारी कि 2 अंडर रूट 3, अब इसको हमें यहाँ 6 करना है कर्णी में, तो 3 का गुणा करेंगे, और जितने का गुणा करते हैं उतनी ही पावर अंदर वाली संख्या पे लग जाती है, तो यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया, और 3 की पावर 3 27 होता है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ 3 अंडर रूट 4 था, और तो यहाँ 6 करेंगे तो 3 में 2 का गुणा करेंगे, 2 ही हमारी पावर लग जाएंगी, तो यहाँ पे 16 हो गया। तो अब देखेंगे, अब कर्णी की घातें हमारी सेम हैं, तो सेम जैसे ही हमारी कर्णी की घातें हो जाएं, अंदर की संख्याओं से हम कंपेयर कर देते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो बताइए कौन सी छोटी है, तो यहाँ 27 छोटी है, 16 छोटी है, 4, तो दिख रहा है हमारी 4 सबसे छोटी है, 4 सबसे छोटी है, सबसे बड़ी पूछे तो 27 वाली सबसे बड़ी है। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा कि 6 अंडर रूट 4, हमारा आंसर वो होगा जो क्वेश्चन में हमारी दी गई संख्या है, तो 3 अंडर रूट 2, पहली वाली कितनी थी, ये थी ना 3 अंडर रूट 2, ये तो हमें निकालने का मेथड था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, सबसे छोटी संख्या, वो ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, और फिर से यही क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन कराना तो अनिवार्य होता है दोस्तों, क्योंकि पहले किसी किसी की कैचिंग पावर ऐसी होती है कि वह एक क्वेश्चन में ही समझ जाता है बंदा, और कोई कोई ऐसा होता है दोस्तों उसको 1 से 2 वीडियो देख के ही, 2 क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है। तो दोस्तों बस समझ में आना चाहिए, मैं इतना ही चाहता हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, वो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे बस कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आप बताओगे तो थोड़ा मोटिवेट भी होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, और थोड़ा एक्साइटमेंट भी बढ़ता है, और अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन और भी शामिल करने की कोई गुजारिश हो आपकी कि नहीं 2 क्वेश्चन कम हैं 4 कर दो, या कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, तो सेम वही है कि 3 अंडर रूट 5 है, यहाँ पे अंडर रूट में 4 है, या 3 अंडर रूट में 6 है, तो मैं सबसे बड़ी बतानी है इस बार, तो बड़ी पूछो या छोटी पूछो उससे कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट हमारा समझ में आ गया है, अब हम निकालेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो फिर ठीक है, तो हमने किया फिर वही इनका कर्णी की घातों का लासा लिया, फिर से वही 6 आया, 6 आया, फिर हमने संख्याओं को ऐसे लिख लिया 3 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 4 और 3 अंडर रूट 6, ठीक है। तो यहाँ हमारी 3 घातें हैं, यहाँ हमारी 2 हैं, यहाँ हमारी 3 हैं,
या मैं जो बोल रहा हूँ ना कि 3√5, ये मैं गुणांक में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है इस टाइप का, तो इसलिए ये बोलना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, नहीं, ये जो गुणांक वाली जो संख्या होती है ना, उनको बोला जाता है ऐसे कि 3√5, 2√5, ठीक है। तो दिक्कत मत लेना आप, ठीक है। यहाँ पर ये कर्णी की घाते हैं, यहाँ इसमें 3 घाते हैं, या 2 हैं या 3 हैं। तो अब करेंगे देखो, यहाँ 6 करने के लिए फिर वही पहले ऐसा मेथड है, 2 का गुणा करेंगे, जब 3 में करेंगे तभी तो 6 होगा, उतनी ही हम घाते यहाँ लगा देंगे। यहाँ 3 का करेंगे, यहाँ 3 घाते लगा दी, यहाँ 2 का किया, 2 लगा दी। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आगे। तो यहाँ 6 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, या 4 का क्यूब किया 64 हो गया, 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया। तो अब देखिए सबसे छोटी या बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हमारी ये रही, सबसे छोटी ये रही इनमें। तो कौन सी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आई है, तो दूसरे नंबर की क्वेश्चन में देखो कौन सी संख्या थी हमारी, अंडर रूट ये थी 4, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और आज इसमें हमने देखे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने कवर किए। आज हमारा घातांक एवं कर्णी का टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। तो यह टॉपिक आपको कैसा लगा, यह तीनों वीडियो अगर आपने पढ़ी होंगी तो मुझे यह आशा है कि आपको सारे टाइप्स और सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना है, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो और डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देखना जो भी प्लेलिस्ट हैं, जो जैसे साइंस के डोज की सीरीज चल रही है हमारे, और एनवायरनमेंट को मैं डिटेल में बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैथ ट्रिक्स की सीरीज चल रही है, साइंस ट्रिक्स की सीरीज चल रही है, उन सभी को आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल पर विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।